इस तरह पोटा के जो पोटे होते हैं उनके तीन तीन चार चार के पास लहसुन है, तो अब लहसुन छोड़ दिया इसने। मामा जी आज कपड़े धोए जाना है, नाश्ता नहीं बनाना? हाँ जी, मैंने आपको बॉयल कर ली है, गैस आ रही थी और अब उन्होंने पराठे बनाते हैं, बस कपड़े भी धुल गए, एक फ्रेश धुल गया, इधर रह गया थोड़ा सा काम रह गया करके, तो फिर नाश्ता बनाते हैं। मुझे पता आपको भूख लगी है, कितने सारे कपड़े धोए हैं, देखिए टोकरी दिखाओ सर। अब बनाते हैं मैं सफाइयाँ करके, फिर वेपर शेफ लगा के फिर नाश्ता बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए, तो अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, तो दोपहर के खाने में हम बना रहे हैं आज कलेजी पोटा, क्योंकि आज सब घर हैं तो कह रहे थे भी हमें कलेजी पोटा बना के दें, तो वो मैंने वॉश कर ली है। ये देखें, इसको वॉश भी अच्छी तरह कर लेना चाहिए क्योंकि ब्लड अंदर जमा होता है। तो आप लोग मेरे साथ हैं, मैं बताती हूँ मैं कलेजी पोटा कैसे बनाती हूँ। ये देखे ना, जितनी मर्जी धोकर रखे इससे ये ब्लड निकलता ही रहेगा। इसको मैं डालूंगी इसके अंदर, बिस्मिल्लाह, यहाँ पे रख दूंगी मैं डालूंगी। आपके पास लहसुन है तो आप लहसुन डाल दें, नहीं तो आप अदरक लहसुन की थोड़ी सी पेस्ट डाल दें। थोड़ी सी मैं डालूंगी हल्दी, ये देखिए हल्दी डाल के इसको मैं ना इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी तकरीबन 5-6 मिनट। 5 या 6 मिनट बाद मैं बताती हूँ कि इसके आगे क्या करना है हमने। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह। ते कल लेके आए थे हम लोग, हमने खा लिए ये दो बच्चे, और मैंने देखा ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसके अंदर सिर्फ डाली है हल्दी और अदरक लहसुन की पेस्ट, अगर आपके पास लहसुन है तो लहसुन के चंद जवे पीस के डाल दें, या खाली लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं। हम इस तरह कलेजी बनाते हैं ना, जो कोटा कलेजी बनाते हैं उसमें हल्की सी स्मेल जरूर होती है, चिकन में भी स्मेल होती है और इसमें भी होती है। चिकन को क्या करते हैं, हम अच्छी तरह वॉश करके उसको हम फ्राई कर लेते हैं। आप ऐसा करें भी इसको इसी तरह रख के, मैंने पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डाला। तो ये देखें इसका पानी, ये देखें इसने पानी छोड़ दिया है और जो इसकी स्मेल है वो निकल गई। अब मैंने इसको रखने से पहले भी अच्छी तरह वॉश की है, अब मैं इसको फिर वॉश करूंगी अच्छी तरह। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, पहले मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, इसका जो ब्लड अंदर या कुछ स्मेल कुछ भी है वो निकल गई है। सारा पानी मैं डाल दूंगी वापस कलेजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप दो करना चाहते हैं तो दो भी कर लें, इनको दो पीस भी कर सकते हैं छोटे भी, इस तरह देखिए सॉफ्ट हो भी गई है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डाल दूंगी मैं इसमें, डाल दिया। अब मैं डालूंगी सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी फिर डालूंगी, तो पहले डाली थी वो तो चलेगी, उसका पानी निकल गया। सूखा धनिया, जीरा, ये चीजें डाल के मैं आधा ग्लास पानी डाल दूंगी। पहले पानी नहीं डाला था उसने, खुद ही अपना पानी ही सारा ना, ये देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये जो हमने प्याज वगैरह डाला वो डाल दिए, अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल दी, ये देखिए इसमें 3 टमाटर डालूंगी मैं इसमें, 1 पाव के बराबर है। बच्चे भी शरारते देखे माशाल्लाह। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी रह गया थोड़ा, प्याज गल गया तकरीबन, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सारे टमाटर और सगन मिर्च, और पानी खुश्क होने तक फिर मैं इसको ऊपर ढक दूंगी। टमाटर भी डाल गए हैं,
और पानी अभी खुश्क नहीं हुआ, पानी खुश्क होता है तो फिर हम डालेंगे इसमें घी। अब जी हांडी ऊपर रखी हुई है, बीच में पराठा बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे बेटे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। आज थोड़ा सा मैं कपड़े धो रही थी और खाना लेट हो गया, उसने कहा मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो ये देखिए यार, एक आलू की मैंने पिठी बनाई थी, आलू वाले पराठे बना दिए थे नाश्ते में। तो अब मैंने कहा उसको एक पराठा और बना देते हैं। अब वो बाहर गया दही लेने, दही थोड़ा था, मैंने कहा दही और ले आ क्योंकि मैंने सालन में भी डालना है, और आके वो खा लेता। हांडी उतार दी है, तवा रख दी है, रोटी पक गई है, बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं डाल दूँ इसमें कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाह, ऑयल मैंने डाल दी है। आप भी इस तरह बना के खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। टमाटर मिर्चे हर चीज जो है गल रही है। अब ना इसमें मेरे 5 मिनट हो गया कुकिंग ऑयल डाले हुए, अब मैं इसमें डाल दूंगी दही। मैं इसने रोटी खा ली, मैं खा ली रोटी, चलो ठीक हो गया। मेरी हांडी पकने वाली है, साथ मैंने कहा थोड़ी सी चटनी डाल लेते हैं। दही आ गया माशाल्लाह, उसमें सब्ज धनिया और सब्ज धनिया सब्ज मिर्चे, उनकी चटनी बना के डालेंगे। ये भी मिर्च डाल देते हैं। इसका भी जो मेरे घी पानी दही डाला था वो माशाल्लाह सूखने वाला है। अब ये घी छोड़ेगी बिल्कुल तैयार, इस पर हम सब्ज मिर्चें डाल लेंगे। अदरक आप लोगों ने डालनी तो डाल लें, नहीं डालनी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। चटनी बन गई है, सालन भी दिखाएं जरा माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह घी छोड़ दिया इसने, प्लेट में डाल के भी खाती हूँ। और ये देखें घी, ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं बना लूंगी साथ रोटी और साथ में डालूंगी दही में चटनी, तो जल्दी जल्दी हम खा लेंगे। मैं डाल दूंगी धनिया, प्लेट में मैंने निकाल के दिखाई है कितनी अच्छी बन गई। अब धनिया वगैरह डाल देंगे, गरम मसाला और काली मिर्च, और रोटी बना लेंगे और खा लेंगे। तवा खराब था, माशाल्लाह जी खाने वाले बैठ गए, हम खा के टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा बना है। ये लो जी, ये देखिए माशाल्लाह दही हम इस तरह खाते हैं साथ दही में चटनी डाल के। अब खाने वाले बताते हैं कि कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह, इसमें अच्छा शोरबा नहीं अच्छा लगता, ये घी छोड़ रहा है अपना, धनिया मिर्चे सारा कुछ मैंने डाल दिया है, और जिस जिसने खाना है वो हमारे घर आ जाए। हाँ जी कैसा बना? बहुत मजा आएगा, सही बना। लो जी हस्बैंड ने पास कर दी है माशाल्लाह, खाने के टाइम आ जाते हैं सारे घर। तो अगर हस्बैंड क्या कहते हैं तारीफ करते हैं ना खाने की, तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। मैं भी खा के ट्राई करती हूँ जी कैसा बना। आप लोग भी इसी तरह बना के खाइएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को मुझे सब कुछ खुश रखे, आबाद रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।